जनता पार्टी ने ना ही न्यायालय के पास गई, ना ही राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में कोई हमने एक्शन के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। जिस वर्ग को, जिस सरनेम को उन्होंने गाली दी थी, उस सरनेम से जुड़े हुए लोगों, जो लोग उनसे आहत हुए थे उनकी भाषा से, वो लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने भी उनको समझाया कि भाई इस तरीके की कोई बात गलत निकल गई हो तो अपनी क्षमा प्रार्थी हो जाइए, क्षमा मांग लीजिए, आप अपना सेंटेंस वापस ले लीजिए, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। तो उसके कारण कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है। अब वो आगे डेट जाएगी, वो आगे हाई कोर्ट में जाएंगे और किसी कोर्ट में जाएंगे, ये उनका प्रव्यू है। बार बार हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कई बार हम लोगों से बोलते समय गलती हो जाती है, डिबेट में आवेश में आके बोल जाते हैं या कभी पब्लिक स्पीच में बोल जाते हैं, पर हमको जब महसूस होता है कि हमारी किसी बात से किसी को आहत हुआ है तो हम लोग अपने सेंटेंसेस को, अपने शब्दों को वापस लेते हैं और क्षमा प्रार्थी होते हैं। पर यदि गलती हो जाने के बाद भी हम क्षमा प्रार्थी ना हो तो जो कानून का काम है वो कानून करेगा। तो ऐसा लगता है कई बार कि लोग शहीद होना चाहते हैं नाखून कटवा के, नाखून की कटिंग हो गई, बोले कि यार हमने तो देखो हमने भी कुछ अपना एक अंग कटवा दिया। कुछ करने के लिए उनको लगता है हम लाइमलाइट में बने रहें, हम कुछ ऐसी बातें जरूर कहे जाके जिससे कि लोग हमको पूछते रहे। और कांग्रेस की तो हालत ये हो गई है कि अपनी राजनीतिक शून्यता पर आ गई है। अब अपनी राजनीतिक शून्यता को ऊपर ले जाने के लिए वो सब ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी को एक ही बात कहनी है हमारे को कि ऐसी जब स्थितियाँ आएँ, जब लोग आपसे नाराज़ हो जाएँ या कोई आपसे बात गलत निकल जाए, तो सबसे सरल तरीका है कि क्षमा प्रार्थी हो और अपनी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कि ये जानबूझ के राहुल गांधी जी जिद कर रहे हैं, बोले हम अपने घर छोड़ देंगे, हम बेघर हो गए हैं, 17 घर उनके, उनके परिवार, कांग्रेस और उनके लोगों के नाम से उस लूटन एरिया में रजिस्टर्ड है और जिस घर में वो लोकेटेड है उसमें रहते भी नहीं हैं। तो जो कानून है कानून के हिसाब से काम चलने दीजिए। आपको और हमको इतना ही